सिद्धि ब्या नमः सिद्धि सिद्धेभ्याः प्रणिपत्ये वरदमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं णमोरन्

अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज के आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध जी मुनिराज के तीन कम नौ कोटे महामुनराजों के अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं तीर्थंकर की पीयूष देश मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है जब क्षेत्र बदलता है और द्रव्य भाव काल बदलता है तब तो बहुत सारी पूर्व की स्मृतियां भी आती है ओम जी वही लोकेंद्र भवन है जहाँ गुरुदेव के साथ वाचना सुनने का मौका मिला था लेकिन दिन बदलते हैं सब बदलता है यहां कभी जिम था आज यहाँ देशना हो रही है किसी के फायदे में किसी का फायदा और किसी के फायदे में किसी का नुकसान भीलवाड़ा वालों के चातुर्मास का फायदा रतलाम मंसौर धार सब जगह मिल और इनके फायदे में कई को नुकसान जिनको उम्मीद थी कि चातुर्मास होगा उनकी उम्मीदें टूट गई उनका नुकसान वास्तविकता में लाभ और हानि ये व्यक्ति के मस्तिष्क की वस्तु है भूतार्थ कुछ और है सत्य कुछ और है हम समझते कुछ और हैं लाभ और हानि ये हमारे चिंतन का विषय है। तीर्थंकर प्रभु को मोक्ष हो गया उनको मोक्ष का लाभ हो गया और जो उनके अनुरागी थे भव्य जीव उनके लिए प्रभु की हानि हो गई भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज कह रहे हैं प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ में गाथा नंबर छब्बीस सत्ताईस में क्रिया कि तो आप कर रहे हो लेकिन उस क्रिया में सत्य कितना है और असत्य कितना है इसको भी खोज के रखना चार प्रकार की भद्र क्रियाएं होती हैं जिनको करना चाहिए जिसमें सर्वप्रथम है दानम प्रियवाक के सहित आप दान तो कर रहे हो लेकिन उसमें जब दान करते समय आपके भाव और आपके वचन ये कैसे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु है किसी ने मंदिर की गुल्लक में एक का सिक्का डाला है और उसके भावों की विशुद्धि ज्यादा है और किसी ने एक लाख की बोली ली है और भावों की विशुद्धि नहीं है तो उसका लाख रुपए का दान करना निरर्थक है इसलिए दान करना तो प्रिय वाक्य के साथ और मद रहित होकर के मायाचारी से रहित होकर के आकांक्षा रहित होकर के दया सहित होकर के दान करना चाहिए लेकिन एक विशेषण जोड़ दी गया दान के साथ प्रिय वाक्य सहित प्रिय वचनों के साथ एक बात ध्यान रखना परिस्थितियां तो बदल जाती समय है दिन का रात शुक्ल पक्ष का कृष्ण पक्ष जेठ मास्यब आषाढ़ सब महीने बदल जाएंगे लेकिन ओम जी कहे हुए वचन रह जाते कहे हुए वचन रह जाते हैं दिन तो बदल जाएंगे वो जो शब्द थे वो नहीं बदल पाते शब्द नहीं बदल जाते सुरेश जी जीवन में एक बात ध्यान रखना जब भी मौका मिले धर्म तो करना लेकिन प्रिय वाक्यों को छोड़कर कभी मत करना कोई भी जीवन की परिस्थिति हो अच्छी हो बुरी हो वाक्य हमेशा अच्छे ही होना चाहिए प्रिय वाक्य सहितम दानम ये प्रिय वाक्य क्या होते हैं दान तो चार प्रकार का है औषध शास्त्र अभय आहार इसके अलावा भगवान समन्त भद्र स्वामी कहते कि वस्ती का दान भी दान है मंदिर आदि के लिए दिया गया भूमि का दान भी दान है और सर्वश्रेष्ठ दान है समदत्ति का दान अगर आपकी समाज में कोई असहाय हो गरीब हो भैया उसको धन आदि देकर के व्यापार आदि करवा करके जो आपने दान दिया है वो तो सर्वश्रेष्ठ समी दान उसको अपने बराबर कर लिया नीतिकार कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके वचनों से होती है ये बुद्धिमान है कि मूर्ख ज्ञानी है कि अज्ञानी गर्व सहित है कि गर्व रहित पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ दीर्घ दर्शी है कि सूक्ष्म है है कि मिथ्यात्वी है। दयावान है कि दया रहित है ये सारी बातें जो हैं व्यक्ति के वचनों से मालूम चल जाती है इसलिए अपने वचनों का प्रयोग बड़े प्रीति से करना खासकर उनके लिए जो आपसे प्रीति करते हैं जो आपसे प्रीति करते हो मांगी लाल जी है क्या भैया एक बात ध्यान रखना मित्र से कितनी ही प्रीति रख लो काम तो बेटा ही आएगा इस साधु श्रावक से कितनी प्रीति कर ले काम लेकिन साधु के साधु ही आएगा श्रावक नहीं आएगा आप तो चर्या करा लोगे लेकिन जब समाधि की बात आएगी तो साधु ही साधु की अच्छी समाधि कराएगा प्रिय वाक्य सहित प्रिय वाक्य क्या होते हैं? तो जो मधुर हो और हितमित हो मधुर भी, भी हो और हित मित भी हो संक्षेप में हो हितकारी हो और मधुर हो यानी किसी की कसाय को उद्वेलित करने वाले ना हो किसी की चित्त को संकलेश करने वाले ना हो अगर सत्य भी हो तो स्वीकारना चाहिए अगर कोई आपसे कुछ बात कहता है और वो सत्य है तो स्वीकारो और माना कि उसकी बात सत्य नहीं है तो मुस्कुरा दो लेकिन लोड क्यों लेना सह सागर जी जब जब जो जो होना है तब सब सो सो होगा ये आप तीन काल में इस परिस्थिति को टाल नहीं सकते हो आप इस परिस्थिति को टाल नहीं सकते हो हर द्रव्य की हर पर्याय आने वाली निश्चित है अप्रमित सागर हर द्रव्य की आने वाली हर पर्याय निश्चित है अपन जानते नहीं इसलिए संकल्प विकल्प होता है और वो जो पर्याय होनी है वो तो होनी है कल आप मिलोगे कि नहीं कल हम मिलेंगे कि नहीं निश्चित नहीं है अपन सुनते ना कि फलाने व्यक्ति का देवलोक हो गया अरे कली तो मिलके आए थे सुरेंद्र जी कली तो मिलके आए थे आज नहीं है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से आप कल मिलकर के आए सुबह उसका देहावलोकन हो गया देहावसान हो गया आप सोचते हो कल तो ठीक था आप जानते नहीं हो आने वाली पर्याय को इसलिए संकल्प विकल्प हैं केवली भगवान कहते सारी पर्याय निश्चित हैं, आप जानते नहीं हो इसलिए संकलेशता है पर्याय दो प्रकार की एक नियत एक अनियत केवली भगवान के ज्ञान में सारी पर्याय नियत अपने ज्ञान में नियत भी अनियत भी अपने ज्ञान में नियत भी अनियत भी पंकज भाई आज के हमारे प्रवचन कितने बजे छूटेंगे आप भोजन कितने बजे करोगे करोगे कि नहीं करोगे कुछ पर्याय मेरे ज्ञान में नियत हैं, कुछ आपके ज्ञान में नियत हैं, और कुछ मेरे ज्ञान में अनियत है आज को रात्रि का विश्राम कहाँ होगा लोकेन भवन में नहीं पूछ रहा हूं बता नहीं रहा हूं तो ये पर्याय नियत अनियत लेकिन नियत अनियत पर्यायों में भी अपने वचनों की मधुरता मत खो देना समय निकल जाएगा सिर्फ बातें रह जाएंगे समय निकल जाएगा सिर्फ बातें रह जाएंगे याद करो कोई आपका एकदम घनिष्ठ मित्र हो अभी भी हो और कभी उसे झगड़ा हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ मनोज कहा है भी नवयुवक जितनी टीम है इनसे पूछना भैया कोई घनिष्ठ मित्र हो भैया आपकी शादी हो गई क्या हा? हो गई पत्नी से झगड़ा हुआ अब तो बता दो अब तो क्या है थोड़ी बहुत हुआ तुम घबरा नहीं सबका हुआ है सुरेंद्र जी हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ वो कह रहे रूटीन है लेकिन देखना कभी अच्छा तगड़ा हुआ हो कि आज के बाद बात ही नहीं करूंगा और फिर बात करने लगे शाम को दो दिन बाद चार दिन बाद भैया दिन बदल जाते हैं बातें रह जाती हैं जब रह जाती हैं बातें तो क्यों उन बातों पर ही विचार किया जाए प्रिय वाक्य सहित हो मधुर हो और हितकारी हो और मित हो संक्षेप हो कल रात को ये सब बच्चे बैठे थे भैयावृत्ति में कह रहे थे महाराज जी मांगी लाल जी तुम्हारा ही बालक कह रहे थे भैया बोले महाराज जी वो जो आपके छोटे वाले प्रोचन आते ना वो अंदर चले जाते हैं बोले लोड लेना ही नहीं है बोले वो अंदर चले जाते हैं देखो मित वचन जो होते हैं अंदर जाते हैं सहज सागर जी किसी भी बात को अपने जीवन में समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए बढ़ाने का नहीं बढ़ाने का नहीं चुंगम खाई आप लोगों ने नहीं खाई कभी तो खाई होगी नहीं खाना भैया उसमें मांस मिला होता है खाई कभी बेटा कभी चिंगम खाई कभी नहीं खाई झूठ नहीं बोलो यार एक बार खाई चलो एक बार की चुनगम खाई ही जिसने भी चुनगम खाई हो वो थोड़ी देर बाद उसका रस खत्म हो जाता है बचता क्या है हा क्या बचता क्या है गम बचता है और उसी को एक घंटे तक व्यक्ति चबाता रहता है मिलता कुछ नहीं है चबाता रहता है ऐसी ही जो बातें हैं आपके मन को खराब करें उनको ज्यादा देर अपने पास मत को फेंको आगे बढ़ो। बढ़ोंगम आखिरी में बचता है गम ऐसे ही जो अप्रिय वाक होते हैं आखिरी में वो गम देते हैं कुछ नहीं देते जब व्यक्ति को होश आता है फिर वो समझता अरे तो गड़बड़ हो गया आगे कह रहे हैं ऐसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे धर्म की वृद्धि हो परस्पर में ऐसी वार्तालाप वाक्य होना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो अब शब्दों की प्रवृत्ति ना चार दोस्त मिल जाए भैया वृद्धि ना आप तो भैया चार मित्र मिल जाए और यहां रतलाम में पान के टपरे में खड़े हो फिर क्या बातें होती हैं वही चार दोस्त मिलकर के गुरु की वही वृत्ति कर रहे हो तो क्या बातें होती है? अंतर आता कि नहीं अंतर कहां से आता है अभी भी पंच कल्याण के, के मंसौर में अभी आप देखना आठ तारीख नौ तारीख दस तारीख ग्यारह तारीख बारह तारीख एकदम भिन्न रहेगी तेरह तारीख से सत्रह तारीख तक दिन समझ में नहीं आएगा कैसे निकल गए कहीं पंडित जी टेड़े फंस जाए तो वो ऐसा लगता है कि पंचगणक भी एक ही दिन में हो जाए भैया खत्म करो समाप्त हो और कहीं विद्वान या संगीतकार बढ़िया आपके अनुकूल हो प्रिय वाक्य वाले हों फिर देखो भैया जी एक दो तो दिन और बढ़ नहीं सकता क्या धर्म की वृद्धि करने वाले हो और निंदा मायाचारी से रहित वचन होना ही चाहिए कई लोग निंदा इस प्रकार से करते हैं कि बताते हैं कि हम बात कर रहे हैं करते हैं निंदा है हमारा नुकसान हो गया तो दूसरे का फायदा कैसे हो उसका भी नुकसान हो ये निंदात्मक ईर्षात्मक वचन है इनको जीवन से विदा कर देना भैया और खासकर तब जब दान दो जब दान दो क्योंकि तो मान कसाय से रहित होने के लिए दान देना चाहिए लेकिन आज का समय यह चल रहा है कि व्यक्ति दान देता है मान कसाय के लिए हमने बहुत पंचगणक देखे भैया श्री के साथ लगभग लगभग पचास से ऊपर पंचगणक तो आचार्य श्री के साथ किए हैं पर ये पिछले चार पांच साल में बत्तीस तैतीस पंचगणक हुए और दान देने वाले को मैंने देखा भैया कुछ इतने विरम्र होते हैं कि लगता है कि इनके घर में संपत्ति है और कुछ इतने मानी होते हैं उनको देख के लगता है कि इनके घर में विपत्ति है विपत्ति है क्यों जो संपत्ति मान बढ़ा दे वो विपत्ति है वो विपत्ति है भैया पंचगणक अध्यक्ष जी सुन रहे क्या ओ मंसौर पंचगणक अध्यक्ष जी आप मंसौर में सबसे कहना भैया एक का सिक्का भी दान करना हो कोई मनाही नहीं है एक करोड़ रुपए दान करना कोई मनाई नहीं है लेकिन भावों की विशुद्धि के साथ देना ये तुमने दान देकर के मंदिर को खरीद नहीं लिया है कई लोग दान देने के बाद वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि मतलब सब हमारा है शांति धारा की एक एक बूंद का पानी हमारा है भैया आप, कभी आप ओम जी प्रैक्टिकल में रहो हमारे साथ तो आनंद है लोकेन भवन में क्या है लोक के भाग की तैयारी करो बड़ा आनंद आता है देखते हम उसको देखते हो हो कि 20 लाख रुपए दिए हैं तुमने लेकिन तुम्हारे पास 20 लाख रुपए देने के बाद भी मैनर्स नहीं है मेनर्स नहीं है भैया पात्र कोई भी बने चलेगा उनसे कहना भैया भाव अच्छे रखना क्योंकि तन और धन तो तुम्हारा चला गया मन अच्छा रहेगा तो ही तुम्हारा पंचकण करना, करना सार्थक रहेगा नहीं तो संस्कार तो हमें ही करना है कोई हमसे पूछ रहा था भगवान का जन्म कब होगा हमने कहा जब हम स्टेज में जाएंगे तब दीक्षा जब हम जाएंगे तब केवल ज्ञान और, और मोक्ष जब हम जाएंगे लेकिन जिस दिन हम भगवान को चाहने लग जाएंगे उस दिन हमारा भी मोक्ष हो जाएगा बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियां आती हैं एक होता है जीवन में प्रैक्टिकल और एक होता है थ्योरी कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर नहीं है अच्छा कोई व्यापारी है यहाँ पर सोने चांदी का है? कोई नहीं है ओम जी सोने चांदी वाले हो अभी ध्यान से सुनना जिस व्यक्ति को पकड़ ना हो सोने चांदी की वो बहुत सारे सोना ले लेता है और बाद में पछताता है और जिसको पकड़ है सोने की या चांदी की वो देख के समझ जाता है कि नकली है अगर आपके पास कोई सिक्के बेचने आएगा सोने के तो कैसे लोगे डायरेक्ट ले लो लोगे? के लोगे? बोलो काट के लोगे और अगर कोई सोने का हार देने आया तो घिसके लोगे ये पहचान करके रखना जीवन में पहचान करके रखना जब भी कोई दान दे उसके मुख से उसकी पहचान होती है लाखों के दान देने के बाद भी वो कहे कि आप लोगों की मेहरबानी से मुझे सौभाग्य मिला है समझ लेना दानम प्रिय वाक्य सहित और कहे कोई इतने साल से जोड़ के रखा था आज मौका मिला है उसका दान देना ना देना बराबर है और विशेष बात यहां पर यह है कि प्रिय वाक्य से बड़े लाभ हैं अप्रिय वाक्यों से बहुत हानि है जब आप प्रिय वाक्य बोलते हो ना तो लोगों से आपकी प्रीति हो जाती है भैया कोयल ने किसको आमंत्रण दिया और कौए ने किसको भगाया है मोर ने किसको आमंत्रण दिया है जब मोर और कोयल जैसे पक्षी बोलते हैं लोग खिंचे चले आते हैं और वहीं कौए और गधे जैसे जीव जब बोलते हैं बिल्ली रोने लग जाए तो लोग रात को पत्थर फेंकते बोले आगे जाओ जो आज प्री वाक्य नहीं कह पा रहा है भविष्य में भी वो नहीं कह पाएगा क्योंकि किया हुआ कर्म लौट कर आता है सह सागर जी किया हुआ कर्म लौट करके आता है अच्छा भी बुरा भी किसी को पता हो और ना पता हो वो तो लौट के आएगा इतनी गर्मी है आपके पैर में छाला हो गया भैया तो पैर में छाला क्यों हुआ गर्मी कारण अगर गर्मी के कारण हुआ है तो हम भी चल रहे हैं। हमें क्यों नहीं हुआ और उसी रास्ते में आप चल रहे हो उसी रास्ते में हम चल रहे हैं और हमको कांटा लग गया और आपको नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा पूर्व कर्म नियोगता आज का इंसान मनुष्य ऐसा हो गया वो वर्तमान को जी रहा है भैया वर्तमान अकेले को मत जियो भविष्य को भी जियो और जो भूत में जी चुके हो उसको भी देखो प्रिय वाक्यों के बड़े लाभ हैं प्रीति होती प्रीति वही श्री राम जिन्होंने नमोकार सुनाया था बैल के जीव को वही सुग्रीव बन के उनकी मदद करने आ गया कि नहीं वही कितांत्र वक्त और जटायु के जीव जिनको नमोकार सुनाया था संबोधन दिया था प्रीति से बात की थी वही लोग राम को संबोधन देने आए कि नहीं अपने अपने में विचार करना तलवार के घाव तो भर जाते हैं भर जाते हैं जी ओ भाई नीलेश के छोटे भाई तलवार के घाव तो भर जाते हैं और ना भी भरे पर्याय बदल भी गई तो कोई बात नहीं घाव चले जाएंगे लेकिन जो शब्दों के घाव हैं वो रह जाते हैं अप्रिय वाक्य बोलने वाला निश्चित ही कसाय में है और प्रिय वाक्य बोलने वाला निश्चित मंद कसाय में वाक्य बोलने से सबसे पहली बात प्रीति बढ़ती है और दूसरा यहां कह कि शांति स्थापित होती है शांति स्थापित होती है एकदम अपन उतावले होकर कि किसी से कोई बात कह दो तो प्रीति भी खत्म जीवन भर का संबंध खत्म और भविष्य का बैर प्रारंभ कम खाना गम खाना नम जाना कोर्ट कचहरी कभी ना जाना भैया जितने रतलाम में लोग हैं जो प्रत्यक्ष भी सुन रहे हैं परोक्ष भी सुन रहे हैं भैया कम खाना लेकिन कोर्ट कचहरी कभी ना जाना हर दिन की संकलेशता है हर दिन की संकलेशता है दूसरी बात करें जो प्रिय वाक्य कहते हैं उनसे संकलेशता का अभाव होता है और जैसे ही संकलेशता का अभाव होता है पुण्य की वृद्धि होती है प्रिय वाक्यों से आप देखो कैसे सूप नखा ने राम लक्ष्मण का तिरस्कार करके युद्ध करा दिया अप्रिय वाक्यों से करवाए कि नहीं युद्ध किसने निमित्त कौन बना बुद्धि पूर्वक निमित्त कौन बना सूप नका राम को भी संकलिषता रावण को भी संकलिष्ट था जबकि दोनों सुखी थे दोनों सुखी थे भैया प्रिय वाक बोल करके किसी के बीच में प्रीति स्थापित करो अब प्रिय वाक बोल करके किसी के बीच संक्लेष्ट स्थापित करो और राठौर जी देखो भाई ऐसा नहीं कि जैन मुनियों को जैन मानते हैं वो मुल्तान से आए हैं दो दिन से बिहार करवा रहे हैं भैया आप हमारे पास आते हो क्या मिलता है हा? कुछ नहीं मिलता तो क्यों आते हो इतनी धूप में चलकर भी आपको शांति मिलती कि नहीं गुरुओं के साथ रहने से शांति मिलती कि नहीं क्योंकि उनके पास जो वातावरण होता है वो प्रियत्व का होता है आगे कह रहे हैं अगर प्रिय वाक्य कहते हो तो मित्रों की और मैत्री की वृद्धि होती है जो बात आपने बोहे चढ़ा करके कही है वही बात अच्छे से कह दो तो क्या चला जाएगा माना कि आपके घर के सामने किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी और आपको गाड़ी निकालना है उससे कह दो भैया हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है आप अपनी गाड़ी आगे कर ले और यहां की जगह सामने खड़ा कर ले तो थोड़ा हमको तकलीफ नहीं होगी ऐसे प्यार से बोल दो तो क्या चला जाएगा और आपने वही अपशब्द कहना प्रारंभ कर दी कौन मूर्ख है जो गाड़ी खड़ी करके गया है अनपढ़ गवार क्या पता नहीं यहां लिखा है नो पार्किंग अरे भैया वही चार बातें मीठी कह देते तो आदमी तो कार सिर पे रख के हटाता वो आदमी व्यक्ति जो है वो कार सिर पे रख के हटाता और जीवन में आगे काम भी आता कमल भाई एक विद्या सीख करके जाना जब आप कहीं बाहर जाते हो तो घर कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाते हो नहीं जाते हो आप रतलाम आए हो और जब यहां से लौटोगे तो रतलामी सेव लेके जाओगे व्यक्ति जहां जाता है वहां से कुछ ना कुछ विशेष चीज लेकर के ही जाता है क्यों स्मृति देना चाहिए अपन गुरुओं के पास आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए भैया लाभ हो अलाभ हो वचनों की मधुरता नहीं जाना चाहिए क्योंकि परिस्थितियां तो केवल ही जानते हैं क्या होने वाली है सिर्फ बातें रह जाएंगी बाहुबली और भरत का युद्ध हुआ बाहुबली भरत का किसको नहीं पता दोनों ही चरम शरीर थे दोनों ही मोक्ष जाने वाले थे दोनों के मंत्री समझदार थे उनने कहा भाई आप लोग आपस में समझ लो सेना को मत लड़ाओ तुम चरम शरीर हो दोनों तुम्हारा कुछ नहीं होगा हम सब मिट जाएंगे मंत्री समझदार थे दोनों का युद्ध हुआ केवली जानते थे कि चक्रवर्ती का मान भंग होगा हो गया बाहुबली की विजय हो गई हो गई लेकिन देखो तृतीय काल में कसाई की थी पंचम काल में भी दृष्टांत दिया जा रहा है तृतीय काल में कसाई की थी विद्ध किया था भाई भाई ने दृष्टांत कहां तक चल रहा है लड़ना है सो लड़ लो भैया आने वाले समय में इतिहास में वही लिखा जाएगा यानी बेटा एक बात ध्यान रखना गलती किसकी है ये व्यक्ति भूल जाएगा लेकिन गलत किसने कहा है ये याद रखा जाता है सीख के जाना आज बेटा एक बात गलती किसकी है हर कोई भूल जाएगा लेकिन गलत किसने कहा ये बात रखी जाएगी हमेशा आप याद करो कभी झगड़ा हुआ हो किसी का और गलती सामने वाले की थी लेकिन एफ पहले उसने लिखा दी क्या होता है जिसने पहले एफ लिखाई है फेवर अथवा जो पिट चुका है खून निकल गया जिसको फेवर उसका लिया जाता भी है प्रकृति का नियम है छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाले से भिड़ जाए गाड़ी किसी टूटती है नुकसान किसका होता है लेकिन गलती किसकी मानी जाती है भले गलती छोटी वाली गाड़ी वाले की क्यों ना हो नहीं तो भैया अनंत बेटा कभी तुम भोपाल में गाड़ी चला रहे हो माना कि न्यू मार्केट में और कोई लड़की आके तुमसे भिड़ जाए पिटाई किसकी होगी पिटाई किसकी होगी तेरी पिटाई होगी गलती किसकी थी उसकी पिटाई किसकी होगी ये प्रकृति है।, है फेवर किसका करती है जिसका समय हो जब तक रावण का समय था तो सबने रावण का गुणगान किया वही हनुमान उनके लिए युद्ध लड़ने गए थे वरुण के विरुद्ध वही हनुमान युद्ध लड़ने गए थे और जब दिन बदला तो हनुमान ने ही लंका में आग लगाई थी सही है कि नहीं अतिशय बेटा उन्हीं हनुमान ने फिर लंका में आग लगाई थी वो ही हनुमान जो रावण के कुंवर साहब थे उन्होंने ही आग लगाई थी वही सुग्रीव उनके मित्र बंधु थे उन्होंने ही रावण का पक्ष छोड़ दिया था और ज्यादा दूर क्यों जाओ सगे भाई ने पक्ष छोड़ दिया था फिर दूसरा कौन साथ देगा विभीचरण ने ही तो पक्ष छोड़ दिया था क्योंकि रावण के वाक्य अप्रिय थे वही बात रावण ने विभीषण को समझाई थी और वही बात विभीषण ने रावण को समझाई थी जब रावण ने विभीषण को समझाई तो विभीषण ने स्वीकार किया था कथा पदम पुराण पढ़ा आप लोगों ने नहीं पढ़ा विभीषण और कुंभकर्ण जाकर के अन्य विद्याधर राज्यों की कन्याओं को उठा लाए थे रावण कहता है अपन उच्च कुल के हैं किसी की कन्या का ऐसे हरण नहीं किया जाता जब उपरम्बा ने कहा कि मुझे स्वीकारो तो वो कहता है कि तुम्हारा पति है इसमें लोक में निंदा होगी तुम्हारी और वही रावण सीता को उठा लाया और विभीषण समझा रहे हैं तो विभीषण को निकाल दिया किसको निकाल दिया सही कौन था विभीषण गलत था कि सही था विभीषण सही था लेकिन समय रावण का था समय किसका था लेकिन जब समय बदला वही विभीषण लंका का राजा बन गया भैया दिन बदलते देर नहीं लगती हमें लगता है कि ये ऐसा क्यों हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था भैया संकल्प विकल्प करने से कुछ नहीं होता केवली के ज्ञान में सारी पर्याय नियत है जब जब जो जो होना है तब तब, तब वो वो होगा आप सोच नहीं सकते टाल नहीं सकते क्यों अनि तुमको लोग बुला रहे हैं तो तुम कह रहे हो धूप में मैं नहीं चलता वहां पैसे दे रहे हैं तो तुम नहीं जा रहे हो और यहां पर गर्मी में चलना है कोई ना पंखा ना कूलर ना फिर सांपों के बीच खेत में सोना है फिर भी क्या बोल रहे हैं ये तो अपना बड़ा घर है यहां रुकने में क्या दिक्कत है बेटा इतना ही विवेक आ जाए जीवन स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी आप चाहते हो कि जीवन स्वर्ग बन जाए आपका प्रिय वाक्य अच्छा इस तरफ वालों से पूछते भैया आप लोगों को हर दिन मन का भोजन मिलता क्या घर में बोलो ना नहीं इस घबरा हो नहीं बोल दो चौकी लगी आ, आज, आज नहीं मिलेगा तो हमारे साथ चलना हर दिन मन का भोजन मिलता क्या घर में मां आप लोग कितनी कर लो इनका मन पूरा भरता क्या कभी लड़ा नहीं रहे सुनो मन का भोचन मिलता क्या हर दिन फिर भी आप क्या बोलते हो बहुत बढ़िया है क्या कहते हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाहर भली मन में कुछ और चल रहा है यार वही तीन दिन से गिलकी चल रही है वही तीन दिन से भिंडी चल रही है कौन बोला भिंडी इनके यहां भिंडी आती है भैया वही तीन दिन से चल रहा है पता है फिर भी चलो भैया अगर बोलने से समाधान हो तो बोले लेकिन आपके बहुत बढ़िया सब अच्छा है अगर वही आप अपनी वाक्यों का प्रयोग कर दो भैया समझ लेना भारत में 100 डेढ़ सौ करोड़ की जनसंख्या है और माना कि 25 करोड़ लोग विवाहित हैं जोड़े से 50-60 करोड़ लोग सबके अंदर घर में तलाक हो जाएगा सबका तलाक हो जाएगा क्योंकि कुंडली मिले और फिर शादी करो जरूरी नहीं कि शादी टिके वो तो व्यवहार मिलना चाहिए प्रीति मिलना चाहिए स्वभाव मिलना चाहिए कुंडली तो सास बहू की मिलवाना चाहिए और पति और पत्नी इनका स्वभाव मिलना चाहिए क्योंकि गुण मिलते हैं तो शादी होती है और अवगुण मिलते हैं तो दोस्ती होती है प्रिय वाक्य सहित हम प्रिय वाक्य लाभ और अंत में कह रहे हैं अगर प्रिय वाक्यों का प्रयोग करते तो विशुद्धि निरंतर जारी है और जहां अप्रिय वाक्यों का प्रयोग किया विशुद्धि जा रही है भैया हमको गेट में अंदर घुसते ही वो आठ साल पुराने चित्र याद आने लगे यही लगभग लगभग गर्मी का यही समय था जून का ही वाचना थी पंडाल लगा था संडे के दिन पानी गिरता था जिस दिन पब्लिक आना हो फिर पंडाल लेके खड़े रहो फिर फिर लगाओ रात को गिर गया फिर लगाओ और नीचे वाले कक्ष में गुरुदेव रुके थे और बहुत तेज बुखार था ये नीचे की गैलरी में समय सार की वाचना होती थी याद है 104 105 बुखार था फिर भी एक घंटे का सुबह का प्रवचन और एक घंटे दोपहर का प्रवचन होता ही था इतनी विपरीत परिस्थिति होने पर भी प्रिय वाक्य को छोड़ा नहीं एक डॉक्टर आया बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा अच्छा हाँ, आशीर्वाद आप जाओ आप जाइए आशीर्वाद याद है ओम जी वो तो पूरा सामान किट विट सब ले आया था सीजर वीजर बोले आप तो लेट हो ऐसे में तो बिगड़ जाएगा बोले हाँ आशीर्वाद प्रिय वाक्यों के साथ गुरुदेव ने विदा किया था और मैं यही सोच रहा था उस समय इतनी गर्मी भीषण गर्मी उसमें बुखार गर्मी में बुखार हो सबसे पहले शरीर का पानी सूखता है ऐसा लगता है कि एक एक बाल्टी पानी पी लो कहो बुखार प्यास ना मिटे फिर भी जो आदर्श बनना चाहते हैं उनको आदर्शता प्रस्तुत भी करना चाहिए सुरेश जी गदिया जी सुन रहे क्या जो आदर्श बनना चाहते हैं, उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए गुरुदेव को पता था हमने कहा श्री से कि संग में और महाराज जी वो प्रवचन कर लेंगे आप दो दिन का विश्राम कर लो तो क्या बोलते हैं श्री बेटा जितने समाज के लोग आते हैं ना ये मुझे सुनने नहीं आते जिनवाणी को सुनने आते तकलीफ में भी प्रिय वाक्यों से विमुख नहीं हुए यही तो अपना विवेक है यही तो विवेक है और उन्होंने ये नहीं बोला कि आपने क्या खिला दिया कि कहा क्या हो गया नहीं मेरे कर्मों का उदय मुस्कुरा के अगर झेल लिया तो तो निर्जरा है संकल्लेषता के साथ जिया है तो है इसलिए प्रिय वाक्यों का प्रयोग करें ताकि विशुद्धि निरंतर जारी रहे अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है जा रही है जा रही है माता जी कहा है माता जी ये अब आप उम्र के ऐसे पड़ाव में हो आप लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो और उस लक्ष्य के लिए प्रत्येक मोक्ष मार्ग ही गमन करता है बस विशुद्धि अगर जारी है तो मोक्ष मार्ग जारी है इस सूत्र के साथ जिसने जीवन जी लिया उसने जी लिया और अंदर क्या चल रहा है किसके इसको कौन जान सकता है आप तो स्वयं जानो बस विशुद्धि जारी रहे विशुद्धि जाने ना पाए तब समझना कि गुरुओं का प्रभु का सानिध्य शरण चरण पाना सफल हो गया मंदसौर वाले भैया सुरेश जी अध्यक्ष जी सुन रहे कि नहीं अभिनंदन नगर में अभिनंदन तब मानूंगा मैं जब आप विशुद्धि जारी रखोगे और भैया मंदसौर वालों से कह देना अब तो बचा ही क्या है हाँ? अब कितना सा बचा है हाँ? नब्बे किलोमीटर कितना बचा है बोलना भैया जो लाभ तुमको बिहार में मिलता है वो नगर में कभी नहीं मिलता है जो आनंद बिहार में मिलता है वो नगर में कभी नहीं मिलता नगर में तो समाज के लोग घेर लेते हैं और बिहार में पुण्य तुमको गुरु सेवा के कारण घेर लेता है जब भी मौका मिले तो चूकना नहीं ये रतलाम तो बॉर्डर है बागड़ की राजस्थान की तो ये मत सोचना कि यहां महाराज आते हैं सेवा करना पड़ती ये सोचना अपन पुण्य आत्मा है अपने 24 चौबीस घंटे सीजन रहता है ऐसा भाव रखोगे तो विशुद्धि जा रही है वरना विशुद्धि जा रही है ये जो प्राप्त है वो पर्याप्त है आप सो यही सोचना कि विचुद्धि आपकी निरंतर जारी रहे शेष अपन आगे विचार करेंगे फिर कभी गुरुदेव का आदेश मिलेगा हो सकता है यही वाचना हो यही चातुर्मास अभी तो भीलवाड़ा वालों की थाली लगी है और रतलाम वालों को भी मौका मिला है ऐसा मौका है कि रतलाम वाले अलग से थाली लगाए शेष अपन आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज